गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हो गई उठने को बहुत लेट, आज मैं वॉक पे भी नहीं गई और क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था तो बाहर लगी हुई थी बारिश सुबह 4 बजे, तो तब मैं नहीं जा पाई। 6:15 बजे जाके थोड़ा मौसम रुका है लेकिन हवा बहुत चली गई है, तो मैंने सोचा स्किप कर देती हूँ, शाम को देखेंगे। अगर मौसम ठीक हुआ तो शाम को चले जाएँगे। और ये लोग लगे हुए हैं बाहर काम करने, तो मैंने सोच लिया मैं थोड़ी बहुत चाय बना लेती हूँ और सुबह का जो काम है थोड़ा बहुत सब वो समेट लेती हूँ। वैसे भी 7 बज गए हैं तो बहुत लेट हो गया, ऊपर से लाइट नहीं है, है जो वो बिल्कुल डिम आ रही है लाइट, तो ना गीजर चल रहा है ना कुछ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो जी ये लोग लगे हुए थे काम करने और मैं चली गई थी इन लोगों को चाय देने बाहर, और रात को हुई थी बारिश तो देख सकते हो आप पूरी जो इन्होंने मिट्टी फैलाई हुई है बाहर, ये भरनी जो है अब ये जगह खाली हो गई आगे से जहाँ ये लोग लगे हुए हैं। तो बस और मौसम देखो, फिर दूध वाला आया था तो ये देखो ये बोलता मैं खुद करूँगा मत करो, ये देखो हो गया ना, अब हो गया। इसको ज़्यादा ही मस्ती चढ़ती है, होगी फिर से शरारतें शुरू, पंगे करता रहता है बैठ के पापा के साथ। जाएगी लग जाएगी कहीं, आ जा उठ जा उठ जा इधर आ जा क्लास है अब आ जा। जब मेरे को थोड़ा सा अगर कुछ बोल देते हैं तो फिर ये गुस्सा हो जाता है और फिर लग पड़ता है इनके साथ लड़ने। मत मत करो अपने। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, कोरोना से सुरक्षित होंगे। और पिछले कल मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, उसका रीज़न ये था कि कल कुछ ज़्यादा जो भी है शूट नहीं किया था, कुछ वैसे ही शरीर थका थका सा लग रहा था तो फिर रेस्ट किया है कल पूरा दिन, डे क्लास लगवाई और उसके बाद रेस्ट किया है। और आज अभी है दिन का टाइम तो अभी बस जस्ट मैं उसकी क्लास वगैरह लगा के अभी और कपड़े कपड़े धो के फ्री हुई हूँ, तो मुझे लगा कि चलो थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लूँ जब तक मैंने खाना बनाना है। और अभी बेटे की क्लास और लगनी है कोडिंग की, तो था बीच में मेरे पास 20-25 मिनट का टाइम, तो मैंने कहा उतनी जल्दी जल्दी मैं खाना भी बना लेती हूँ। वैसे तो दिन में खाते कम ही है लेकिन दाल बना लेती हूँ, शाम को सब्ज़ी बना लूँगी तो फिर थोड़ा हो जाएगा। और अभी आज फिर मौसम ख़राब हो गया, सुबह तो धूप लगी हुई थी अच्छी खासी, तो इस टाइम हो गए फिर से बादल, तो चलो मेरे कपड़े तो सूख ही जाएंगे जो धोए हैं थोड़े बहुत, पिछले 2-3 दिन नहीं धोए थे मैंने, रोज़ भी कितने कपड़े धोने होते हैं। तो बस अभी मैंने दाल बॉईल करके रखी है चने मूंगी की, तो बस इसको लगाऊंगी तड़का। वैसे बच्चे अभी खा बैठे हैं खाना, उन्होंने सुबह नहीं खाया था, लेट खाया था तो मतलब दूध वगैरह ही पी लिया था, तो बस अभी खाया उन लोगों ने खाना, वो खाना खा के हो गए हैं फ्री। तो एक क्लास बची है उसकी, वो क्लास लगा लेगा और तब तक मैं दाल बना लेती हूँ और साथ में बनाएंगे चावल। अगर खाने होंगे किसी ने, इनको भूख लगेगी तो खा लेंगे, नहीं तो फिर शाम को देख लेंगे, सिर्फ एक सब्ज़ी बनाएंगे और हो जाएगा। तो चलो फिर मैं बना लेती हूँ दाल, और दाल वैसे सिंपल ही है, तड़का वैसे ही जैसे मैं लगाती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करती हूँ। बट चलो मैं ये भी आपके साथ थोड़ी सी शेयर कर लेती हूँ, आई होप आपको पसंद आएगी।
रेडी। टाइम फॉर ग्रीन टी। तो जी इसके बाद मन कर रहा था कुछ चाय पीने को, तो मैंने ग्रीन टी ले ली। और टी बैग अभी ख़त्म होने वाले हैं, मेरे पास दूसरी भी है खुली पड़ी हुई, लेकिन ये ठीक रहती है, बस झट से पानी गर्म डालो और पी लो। ग्रीन टी टेस्ट तो बड़ा गंदा होता है, बट क्या करें, जो आपकी बार बार चाय पीने की आदत है उससे तो अच्छी है, हेल्दी है। क्या लिया? इनका हो गया युद्ध शुरू, इनको एक ही काम है लड़ने का। क्या लिया वाह, फैंसी रख दे। मैंने बोला भी था कल की मत ले। तो चलिए जी, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। अब हो गया मेरे बेटे की क्लास का टाइम, तो फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। और दिन में लग पड़ी एकदम से बारिश। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने कपड़े डाले थे ना सूखने को, तो बस एकदम से मुझे जैसे थोड़ा आवाज़ आई बारिश की, तो मुझे फटाफट भागना पड़ा। बस कपड़े लेके अंदर आई थी कि उसके बाद ये ज़ोरों से बारिश शुरू होगी। और ये समझ ही सकते हो आप, ये मिट्टी के ढेर जो है, तो बारिश का पानी कैसे इकट्ठा हुआ हुआ है एकदम से। और आज यहाँ सामने बिजली भी पड़ी है, पता नहीं अभी टावर के पास बहुत ज़ोर के पड़ी है, और धुआं बड़ी ज़ोर के उठा था, पता नहीं कहीं नुकसान ना हुआ हो कुछ। लाइट भी उसके बाद चली गई थी, अभी जाके आई है लाइट शाम को। तो बस मैंने फ़ोन चार्जिंग करने को अब जाके लगाया, क्योंकि पूरा दिन बच्चे की क्लास लगाओ उसके बाद तो वैसे ही नहीं इसमें कुछ बचता। तो ये देखो आप मौसम का हाल, बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। मैं भी देखने गई बाहर, और मेरे पड़ोस में हैं वो भी आ गए थे बेचारे देखने फटाफट कि कहाँ बिजली पड़ी है। बारिश हो गई है शुरू, बारिश, मौसम हो गया फिर से ख़राब। कपड़े भी मैं फटाफट लेके आई हूँ बाहर से, वो उनके लेंटर पे थे ना यहाँ पे, तो एकदम से बारिश शुरू हो गई, मौसम भी ख़राब हो गया। फिर से हो गया मौसम ठंडा, कूल कूल। तो जी सोनी ने जलाया था धूप और जोत, तो आप भी कर लो दर्शन माता रानी के। आजकल मैं एक को बोलती हूँ तो दोनों उठ के आ जाते हैं फटाफट जोत जलाने के लिए। और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, तो ठंड थी लगी हुई, तो फिर मैंने कहा चलो चाय बना लेते हैं थोड़ी सी। और वैसे तो सोनी बना के दे चुकी थी एक सोनी, बार, तो ये खाने फिर तुमने? मैंने उसके बाद ये फ्राइड चिप्स लेके आए हैं, ये चिप्स फ्राई किए थे, और साथ में सब्जी को तड़का लगा लिया था। आज बनाई थी आलू और बैंगन, और बीच में थोड़े से मटर डाले थे इसकी सब्जी। और फिर ठंड थी तो मैंने कहा चलो चाय पी लेते हैं। लाइट भी नहीं थी, लाइट भी चली गई थी। लाइट भी आ गई। शाम की चाय और चाय के साथ फ्राइड चिप्स। और साथ में बारिश। इससे ज़्यादा क्या चाहिए ना? और बाहर एक्चुअली क्या हुआ कि हमारे पड़ोसी हैं, उनका डॉगी है ना, तो वो आता है जी के साथ खेलने, तो वो बस आया तो सारे में मिट्टी मिट्टी हो गई थी। सोनी बोलती मैं साफ़ कर देती हूँ मम्मा, तो मैंने कहा भी इस फ़ायदा कोई नहीं है साफ़ करने का, जितना साफ़ करेंगे उसके बाद फिर आ जाएगा। और बारिश तो आप देखी हो लगी हुई थी। कौन सा?
क्या देते ये हैं था मेरा आज का ब्लॉग, कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताएं, और जितना हो सके अपना और अपनों का ध्यान रखें। तो चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके, वो तो ले ले खाने को साथ में। हाँ, ले लिया मेरे को, नहीं फॉग ले।